हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको भानगढ़ किले के रहस्य और उसके खास बातों के बारे में बताऊंगी। तो जान लीजिए क्या है भानगढ़ किले का रहस्य और उसकी खास बातें। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। इस किले के पास गोला गांव बसा हुआ है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। इस किले की बनावट से ज़्यादा इसके भूतिया किस्सों की वजह से यह ज़्यादा चर्चा में रहता है। भानगढ़ किले के राजा के महल के खंडहर पहाड़ियों के निचली ढलान पर स्थित है। इस किले का तालाब वाला क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है और महल के परिसर के अंदर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। आपको बता दें हम कि किले के परिसर में भूतिया अनुभव की घटनाओं के डर की वजह से अब गांव इस किले से बहुत दूर हो गए हैं। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। हर किसी को बस यही डर रहता है कि भानगढ़ किले के भीतर क्या है। भानगढ़ किले के भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। यह किला अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है और इसको देखने के बाद हर किसी के मन में बस भयानक और नकारात्मक विचार ही आते हैं। भानगढ़ का किला भूतिया है, ऐसा लोगों को मानना है। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि भानगढ़ का किला प्रसिद्ध क्यों है। भानगढ़ गांव अपने ऐतिहासिक खंडहरों की वजह से जाना जाता है। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ स्थित भानगढ़ का किला भारत के चर्चित प्रेत बाधित स्थानों में से एक है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका में स्थित है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे पर बसा हुआ है और इसके सामने बाजार है, जिसके सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई दो मंजिले दुकानों के खंडहर मौजूद हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भानगढ़ के किले के पास में जो है दोनों तरफ एक लाइन से दुकानें बनाई गई थी, जो कि अब खंडहर हो चुकी हैं। भानगढ़ का किला अपने चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक तो देखने के लायक होती है, यानी कि यहाँ पे बहुत सी हरियाली हो जाती है। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है, यानी किसी को इजाज़त नहीं दी जाती है। अब भानगढ़ का किला किसने बनवाया था ये भी जान लीजिए कि भानगढ़ का किला बनवाया किसने था। तो भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन कला का एक नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। अब जानिए भानगढ़ का इतिहास क्या है। तो अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे दो अलग अलग कहानी सामने निकल आती हैं, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। अब इस कहानी यहाँ पे जो है हम आपको इसकी भूतियों कहानी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो जो भानगढ़ के किले की कहानी है, तो बताते हैं कि भानगढ़ के किले को लेकर एक दंत कथा है कि माधव सिंह नाम के एक राजा ने वहाँ रहने वाले अपने बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर भानगढ़ किले का निर्माण किया। वो तपस्वी इस किले के निर्माण को लेकर एक शर्त रखी कि जो है इस किले की जो छाया है उस तपस्वी के घर के पास कभी भी ना पड़े, लेकिन जो मतलब जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। माधव सिंह के उत्तराधिकारियों ने एक किले को ज़्यादा ऊपर बढ़ा दिया, नहीं उस किले को बढ़ाते बढ़ाते और बहुत ऊंचा कर दिया, तो उस किले की जो है
परछाई जो है वो तपस्वी के घर पर पहुंच गई, जिससे कि तपस्वी ने उस किले को श्राप दे दिया, जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और वह भूतिया किला बन गया। अब जानिए कि भानगढ़ किले का रहस्य क्या है। तो भाई भानगढ़ किले के बारे में जो दूसरी कहानी बताई जाती है बहुत ही अजीब है कि वो वहाँ पर जो है, मैं बस ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ कि कोई तांत्रिक था, उसने जो है लड़की को श्राप दे दिया था, कुछ इस तरीके से कहानी, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि क्या भानगढ़ में जो है रात में, यानी भानगढ़ का किला जो है वो रात में देखा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है रात में जाना बिल्कुल वर्जित है, यानी रात में कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। यानी भानगढ़ का किला घूमने के लिए जो है अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सूर्योदय के बाद, है ना, और सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले की अनुमति है केवल, ठीक है, सूर्यास्त से पहले की अनुमति है, आप सूर्य ढलने के बाद में उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आएगा कि भानगढ़ के किले का रहस्य क्या है और भानगढ़ किला जो है वो सबसे भूतिया, यानी विश्व का सबसे डरावना किला है भानगढ़ का किला। वहाँ पे आज भी पूरे के पूरे खंडहर पड़े हुए हैं और जब बरसात ऋतु आती है तो वहाँ पे हरियाली छा जाती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपको पता चला होगा कि भानगढ़ किले का क्या रहस्य है और वो देखने में भी अच्छा लगता है पर खंडहर है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं किसी अगली अच्छी से जानकारी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।